कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हम सभी लोग जानते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार का अंग होता है, हर परिवार किसी न किसी समाज का एक अंश होता है, हर समाज किसी न किसी राष्ट्र में पलता है। ये जो व्यक्तित्व का अधिकाधिक विस्तारित होने वाला दायरा है, उस दायरे के साथ हम लोगों का अच्छा संबंध होना और उसके बारे में हमारे अंतःकरण में योग्य भाव होना, यह हमारी मानसिकता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक पहलू है। हम समाज में अपना विकास साध्य करते हैं। ध्यान में आना चाहिए, जिस विद्यालय में मैं पढ़ा वो मैंने नहीं बनाया था, जो पुस्तकें मैंने पढ़ी और अपने जीवन के ज्ञान का विकास किया वो मैंने नहीं लिखी थी, जिस सड़क के ऊपर मैं चला मैंने निर्माण नहीं की थी, जिस मंदिर में जाकर के मैं भगवान का दर्शन करता हूं वो मंदिर मैंने नहीं बनाया था। किसी के द्वारा निर्माण की गई इन व्यवस्थाओं का उपयोग मैं अपने जीवन के आनंद और विकास के लिए करता हूं, और जिस समाज ने सब कुछ किया वह समाज भी किसी राष्ट्र के अंदर होने के कारण सुरक्षित है। तो मैं अपने जीवन का विकास उस समाज के बिना और राष्ट्र के बिना नहीं कर सकता हूं। यह बात ध्यान में लेकर के यदि मैं सज्जन हूं, यदि मैं अच्छा हूं, यदि मैं अच्छा बनना चाहता हूं, तो सबसे पहली मेरे अंतःकरण की यह भावना होनी चाहिए कि मैं समाज का कुछ ऋणी हूं। महाभारतकार ने चार ऋण माने हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, यानी समाज का ऋण। मेरे समाज का, मेरे देश का मेरे ऊपर ऋण है। मैं उसको उस समाज की और देश की सेवा करके चुकाने का प्रयास करूं, यह तो मुझसे अपेक्षित है, लेकिन कभी कभी मैं ये नहीं कर पाता हूं। मैंने अपने जीवन को इतना महान नहीं बनाया जिससे मैं देश की सेवा कुछ बहुत बड़ी मात्रा में कर सकूं। मैंने अपने जीवन को इतना सफल नहीं बनाया कि मैं समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे सकूं। दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे अपने जीवन में इन मान्यताओं को अपने मन में धारण करना चाहिए कि मैं समाज के प्रति कृतज्ञ रहूं। मैं इसको मानूं तो सही कि समाज के कारण मैं कुछ हूं, मैं देश के कारण कुछ हूं। अपने अंतःकरण में अपने परिवार के लिए जिस प्रकार कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, उसी प्रकार अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। और अपने जीवन के जो कुछ पुष्प मैं इनके विकास में चढ़ा सकूं, मुझे चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का जीवन कृतज्ञता से अलंकृत होता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण कृतज्ञता ही मानव जीवन का अलंकार है। इसलिए हम पहले अपने ऊपर समाज के इस ऋण को मान्य करना सीखे, राष्ट्र के इस ऋण को मान्य करना सीखे। गंगा जी का उपयोग और उपकार मान करके हम गंगा मैया कहते हैं, गौ माता के उपयोग और उपकार को जान करके हम गौ माता कहते हैं। क्यों न भारत के उपकार और उपयोग को जान करके हम भारत माता कहें। हम भारत माता के पुत्र हैं, यह कहने में गौरव का अनुभव होना चाहिए। और हम भारत माता की सेवा कितनी करेंगे ये बात की बात है, लेकिन हम भारत माता की सेवा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा निश्चय तो भी हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। हमें तो यही कहना चाहिए कि माँ तुम ही अमर हो, हम तो आज आए कल नहीं रहेंगे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे,
ये शब्द हमारे जिह्वा पर होने चाहिए। भारत माता की जय।